हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश हैं कज़ोन लेसन सीरीज में सेकंड क्लास लेकर, जिसमें कि आपको सिखाएंगे कज़ोन का एक नया पैटर्न, एक नई बीट, जिससे कि आपको कज़ोन बजाने में आसानी होगी। इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे बीट बॉक्स कज़ोन डीसी से 1500 HB ADJ के साथ। इसकी खूबियाँ, इसकी खूबसूरती के बारे में आपको सब कुछ वीडियो में सिखाएंगे। काला चश्मा सॉन्ग पर आप कैसे कज़ोन प्ले कर सकते हैं। आज हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। इस क्लास के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे जो कुछ फीडबैक्स मिले हैं, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम सीखने लगते हैं तो लोगों के नेगेटिव थॉट्स हमें बहुत मिलते हैं, लोगों की नेगेटिव बातें हमें सुनने को मिलती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं बजा पाते। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप वही कज़ोन अच्छी तरीके से बजाने लगते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरीके से बजाने लगते हैं, तो लोग आपकी वाह वाही करते हैं। तो आप कभी भी अपने आप को ये महसूस ना होने दें कि आप नहीं बजा पाएंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो कि पहले दिन से ही इतना कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छी तरीके से सीख गया हो। इसीलिए कभी भी अपने आप को ये महसूस ना होने दें कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा पाएंगे। अगर आपने कोई काम शुरू किया है तो उसको एंड तक नहीं ले जा पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि कभी भी अपने दिलो दिमाग पर यह हावी ना होने दें कि आप ये इंस्ट्रूमेंट या नहीं बजा पाएंगे। और ये सोच के चलें कि जब 6 महीने बाद यही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, या कुछ दिनों बाद यही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपने इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया है उसको लास्ट तक ले जाएं, अच्छी तरीके सीखें। और जो लोग आपको आज नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनको आप दिखाएं कि नहीं, आपके अंदर भी वो पावर थी तो आपने इंस्ट्रूमेंट सीखा। थैंक यू। आज के वीडियो चलिए दोस्तों, आज आप शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था पहले ही कि आपको नई बीट शुरू करवाएंगे एक, तो उस बीट का नाम है 2/4। हम लोग इसको वेस्टर्न बीट बोलते हैं। इंडियन सॉन्ग्स में, बहुत सारे सॉन्ग्स के अंदर ये 2/4 बीट बजाई गई है। नए पुराने सभी गानों में इस बीट को यूज किया जा रहा है। ये मेनली वेस्टर्न बीट है और जिसको कि हम इंडिया में बहुत सारे सॉन्ग्स में यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये बीट। दोस्तों इस बीट को बजाने के लिए बजाते हैं नॉर्मली, तो स्टार्टिंग उसकी होती है बेस से। ये मेनली मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बजती है ये बीट। तो दोस्तों ये मेनली बीट इस तरीके से बजती है। सॉन्ग में जब शुरू करते हैं तो बेस से शुरू होता है, स्टार्टिंग इसकी बेस से होती है। और क्योंकि इसको मैं अगर आपको पूरी बीट को सिखाने लगूंगा तो शायद आप एकदम से नहीं सीख पाएंगे। तो इस बीट को भी हम पार्ट के अंदर सीखेंगे। तो पार्ट में क्या होगा, आपको बजाना आसान होगा स्टार्टिंग में, आप क्योंकि अभी आपकी बिगनिंग है, तो अभी से आप हार्ड, ये एक्चुअली हार्ड बीट्स में से है तो आप नहीं बजा पाएंगे। तो इसलिए पहला पार्ट इसका ऐसे होगा, 1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
भी किसी भी हम कोई भी अगर सीखते हैं तो उसके अंदर टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। टाइमिंग अगर आप गलत कर देंगे किसी भी बीट को तो उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा, उसका पूरा जो तरीका बजाने का चेंज हो जाएगा और सुनने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। देखिए इसकी टाइमिंग क्या है, वन वन है हमारा, ठीक है, हमने बेल बजाया वन, उसके बाद टू थ्री की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको याद रखनी है। आपको ऐसे नहीं करना वन टू थ्री वन टू थ्री, नहीं तो ये लास्ट जो मैंने आपको बीट बताई थी वॉल्स बीट, ये वॉल्स बीट बन जाएगी, टू फोर का वॉल्स वॉल्स बीट बन जाएगी। तो उसमें टाइमिंग का आपको ध्यान देना है, वन वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि इसके अंदर वन टू थ्री वन टू थ्री। देखिए आपको जो लास्ट क्लास में मैंने बीट बताई थी वॉल्स बीट, उसकी टाइमिंग क्या है, इसमें तीनों के तीनों जो बीट है वो एग्जैक्टली एक टाइम पे बज रही है, सेम टाइम पे बज रही है, वन टू थ्री वन टू थ्री, ठीक है। जब हम इसको टाइमिंग इसके चेंज करते हैं तो वॉल्स बीट बन जाती है टू फोर वन टू वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री वन, टाइमिंग का ध्यान रखना है वन टू थ्री वन टू थ्री, तो दोस्तों ये आज का लेसन था जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिए अच्छी अच्छी तरीके से और मेरी किसी तरीके की आपको सहायता कोई हेल्प चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बीट का रिमेनिंग पार्ट लेकर करते हैं काला चश्मा बीट के बारे में। तो ये सिंपल बीट है, इसकी तरीका आपको कैसे बजाना है क्या आपको पता ही, नॉर्मली बेस हमारा ये है और स्नेक ये है, अगर आपका आई टी है तो आपका बेस ये और स्नेर आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैं राइट से बेस जाता हूँ तो मैं ऐसे जाऊँगा। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है बीट जो बजेगी वैसे बजेगी, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने पेश होंगे एक नई बॉलीवुड म्यूजिक सॉन्ग की बीट के साथ और आपको सिखाएंगे कि वो बॉलीवुड म्यूजिक बीट आपको किस तरीके से बजानी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किसी ऐसी बॉलीवुड सॉन्ग के साथ करें उसकी बीट बजाना आपको सिखाएं तो कमेंट प्लीज़ कमेंट में हमको ये बताएं, या व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है सब, तो उसमें आप चाहे तो हमें बता सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।